उज्जैन जिले के नागदा शहर में रहने वाला दीपक जैन निवासी श्रीराम कॉलोनी, जिस पर कई मामले दर्ज हैं, नागदा शहर के थानों में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची और बदमाश के मकान को धराशायी किया। वहीं उज्जैन शहर में मक्सी रोड पवासा क्षेत्र में रहने वाले हिस्ट्री शीटर बदमाश आकाश मराठा ओम प्रकाश मराठा के 2 मंजिल मकान को भी पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में धराशायी किया गया। उज्जैन पुलिस और अधिकारियों की टीम ने ऑपरेशन क्लीन के तहत अब तक 38 मकान बदमाशों के तोड़ चुकी है और उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि बदमाशों के ऊपर कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। मैंने बताया जैसा कि 2-3 दिन पहले सट्टे के अपराध तो ये काफ़ी दिनों से कर रहा था, 10-12 अपराध इनके पूरे परिवार पे भी हैं। पिताजी भी लिखते हैं, लड़का भी लिखता है, उनका दूसरा भाई दीपक का भाई भी लिखता है, और इसी मकान में ये संचालित किया जा रहा था। उसके बाद जब संचालित किया जा रहा था तो नगर पालिका ये जो CMO साहब हैं उनसे हमारे निवेदन किया गया कि इसके मकान के निर्माण में देखें ज़रा परमिशन वगैरह है या नहीं है, और वही पाया गया कि उसकी मकान बनाने की भवन निर्माण की परमिशन नहीं थी। चूँकि गुंडे और अवैध गतिविधियां संचालित करके जो गलत तरीके से धन उपार्जन कर रहे हैं और अवैध नियमों के विरुद्ध जा करके निर्माण किया गया, उसी के तारतम्य में ये इनका मकान भी तोड़ा गया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी अवैध काम कर रहे हैं, इस प्रकार की अवैध गतिविधियाँ कर रहे हैं, वो कृपया करके बाहर जाएं, नहीं तो उनके साथ भी ऐसा ही कृत्य किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ MP, उज्जैन।